व्यूअर्स यार वही डिजिटल का ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर अपने एंड की जानिब तेजी से गामजन है। मेरे हमसफर की 32वीं किस्त में वही हुआ जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, और अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस ड्रामे की 33वीं किस्त में क्या होने जा रहा है। तो व्यूअर्स पहले तो ये जान लें कि मेरे हमसफर की 33वीं किस्त में हालांकि होने वाले बच्चे की जान बच जाएगी, माँ और बच्चा दोनों को कुछ भी नहीं होगा और हालांकि इसका बाप अपने साथ ले जाएगा। इसके बाप को अपनी गलती का भरपूर तरीके से एहसास हो जाएगा, वो हालांकि केयर शुरू कर देगा, इसे सुनेगा, समझेगा, इसके मसाइल जानकर इनका हल निकालने की कोशिश करेगा। असल में वो ऐसा करके अपने किए का कफारा अदा कर रहा होगा। वो हाला को बोलेगा कि बचपन में ढेर सारे कपड़ों और खिलौनों में से तुम सिर्फ पर्पल ही चूज करती थी ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद अब भी तुम्हें पर्पल ही पसंद होगा। वो ऐसा तब कहेगा जब हाला के लिए पर्पल ड्रेस या ऐसी ही कोई चीज लेकर आएगा, मगर इस पर हाला इसे ऐसा जवाब देगी कि जिससे इसकी तमाम बेबसी और इस पर होने वाले तमाम मजालिम जाहिर हो जाएंगे। वो बोलेगी कि मुझ में कुछ नहीं बदला डैड, वक्त गुजर गया मगर मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ। उधर खुरम समीन को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश में लगा हुआ होगा और फिर समीन इसे बात करने का मौका दे ही देगी क्योंकि वो प्यार करती है इससे, और इस मौके पर खुरम इसे कहेगा कि क्या तुम्हें पता है कि मर्द की मोहब्बत से ज्यादा अहम चीज क्या होती है, और फिर खुद ही जवाब देगा कि इसकी जानिब से दी हुई इज्जत। ये बात समीन की अकल में आ जाएगी और सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा इसके दिल में खुरम के लिए, और जब समीन के सामने हकीकत आ जाएगी तो फिर हमजा के सामने भी आ ही जाएगी। दूसरी बात ये कि रूमी की ऊंची उड़ान जारी होगी, मगर फिर या तो वो पकड़ी जाएगी वकास के साथ, यानी कोई इसे देख लेगा इसे इसके साथ, या फिर वो शादी समेत कोई बड़ा स्टेप भी ले सकती है, मगर जो भी हुआ इसका फायदा होगा हाला को। उधर गरूर से चूर शाहजहाँ अपनी फैमिली और हमजा को इंतहाई तकबर भरे लहजे में कहेगी कि आपके इतला के लिए मौत दीवाना अर्ज है कि वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है हमेशा के लिए, यानी वो हाला के घर से चले जाने की खुशी मनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। खैर इस पर हमजा कहेगा कि जो लोग जिस्मो जान का हिस्सा होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं छूटते अम्मी जान, और हमजा बेचारा अकेला और तन्हा हो जाएगा। इसे हाला की याद बहुत सताएगी, इससे रहा ना जाएगा हाला के बगैर, और यही हालत होगी हाला की भी। वो बोलेगी कि मुझे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, यानी दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई वाली बात होगी। खैर हमजा का बाप रईस इसे कहेगा कि हाला को वापस लाओ। इस पर वो इसे बताएगा कि हाला ने आने से इनकार कर दिया है। यूं हमजा और हाला के बीच सब सेट हो चुका होगा और ऐसे मौके पर जुदाई दोनों ही से बर्दाश्त नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।